सो व्हाट्सअप एवन कैसे हो सारे उपसो सारे के सारे बड़े होंगे होंगे तो हम बना देंगे तुम बढ़िया। सो फाइनली आज हम लेकर रिएक्शन करते हैं वी गना रिएक्ट टू डेफ घर पे तेरे भाई फाइनली। ठीक है फाइनली इस गाने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन आई थी बट आई डोंट नो उस टाइम शायद से मेरे एग्जाम चल रहे थे फिर असाइनमेंट्स है बहुत सीन था तो मैं सारे रैपर्स कवर अप कर रहा था पर पुणे के अंडरग्राउंड रैपर्स को कवर अप नहीं कर पा रहा था बट नाउ इट्स अ सीरीज। सो मैं तुमको शुरुआत से बता रहा हूँ हमने अभी तक दो वीडियो ड्रॉप कर चुके तुम जाके देख सकते हो सीरीज में एंड मैं तुम्हें इसलिए याद दिला क्योंकि चार पाँच जो शुरुआती वीडियो होते हैं उसमें मैं बताता हूँ देन हम सीरीज भगाते हैं। ठीक है और जिनको नहीं मालूम है पुणे सीरीज क्या है इसमें हम लोग सारे रैपर्स कवर अप कर रहे हैं सारे गाने कवर अप कर रहे हैं उनके मेक श्योर करो सब्सक्राइब कर लो और नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा बाद वाले वीडियोस में कि क्या रेफरेंसेज ये बंदा दे रहा है तो पहले से कर लेना और आ जाओ भाई। मतलब अभी इस वीडियो के लिए बहुत इंतजार था देखते हैं और इस वीडियो को मैं थोड़ा मम्मी के साथ रिएक्ट करने वाला था बट अभी पता नहीं वो फ्री नहीं है तो मैं उनके साथ भी कर अगर चाहिए रिएक्शन तो मेक श्योर कमेंट्स में बताओ और लिरिक्स भी अपने पास तो ऑल द डेफ फैंस भाई मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस दैट बेल आइकन ऑल भी कर दो भाई आ जाओ सीधा घुसते हैं। यो मारता काय को है तू किधर जा रहा है खून दे ये कोके ना दारू वाला खून देगा तू संजय दत्त वाले डायलॉग्स कम हो गए। अरे ओ मुन्ना तो उनके चार डंडों से डर गया वे ये देख कितना मारा है मुझे अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना फुल भाई वाली एंट्री हो रही है आई कैन सी यहाँ पे वो ब्लड्स का रुमाल लेके घूम रहा है ब्रो। एवरी रैपर लाइक एमसी स्टैन फॉलो करता है और डेफ भी फॉलो करता है ब्लड्स को एंड एमसी टीएचसी भी ब्लड्स को मे भी पुणे के सारे रैपर्स ऑलमोस्ट ये ब्लड्स को सपोर्ट करते हैं। यो ठोक दिया किसको ठोका भाई ए लेट्स गो माय बॉय बहुत ही ट्रिपी गाना ब्रो बहुत ही ट्रिपी बीट टाइप गाना लग रहा है और आई कैन सी मेरे को लगता है कि वो भाई जैसी एंट्री करवाई उस रिलेटेड ही सॉन्ग का मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत देखते हैं क्या सीन है ये छोटी छोटी साइकिल BMX साइकिल्स टाइप चलाना और ये मैं वटा से देखते आ रहा हूँ ब्रो। पुणे इस साइड ये साइड में क्या क्या चल रहा है दिखा रहा बता रहा ठसा रहा ते कूले पीस साइन दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है बता रहा ठसा रहा ले पीस साइन बेसिकली और पीस साइन भी होती है पुणे टाइप साइन तो इट कैन बी अ वर्ड प्ले देयर और ऐसा भी हो सकता है आ जाओ इस साइड ये साइड में क्या क्या चल रहा है दिखा रहा बता रहा ठसा रहा ते कूले पीस साइन दुनिया में बहुत सो ये पीस साइन होती है ठीक है और ये पीस साइन होती है ओके अब सीखेंगे धीरे धीरे अपन भी कुछ चल रहा है समझ रहा है मीनवाइल किसी को नहीं कर रहा है मिस गाइड बट गुनेगारी पुलिस पॉलिटिक्स किडनैपिंग फिरौती की रकम केस नारकोटिक्स की दगड़ने टेसन हत्या मर्डर सिर अलग कोटला हफ्ता वसूली 301 जग पे कुपड़ी कोती से साथ में दिख रहे झोल जमीन कब्जे जितते उतते सारे कल में बचपन से हम लोग वो देखते आए आंखों के सामने बस्ती जलाई ले जी पता है थोड़ा थोड़ा मेरे को कैसा ट्रिप दे रहा है किताब वाला पता है तला अंजुम का किताब वाला गाना था वो ऐसी कुछ स्लो बीट थी और उस पर ऐसा ही चला था ब्रो लाइक ऐसा ही कुछ टाइप का फ्लो चला था ब्रो बहुत ही ट्रिपी गाने यार ये लोग मैं क्या बोलूं यार शुरुआत से बोल रहा बहुत ट्रिप देते मेरे को ऐसे गाने सारे कल में बचपन से हम लोग वो देखते आए आंखों के सामने बस्ती जलाई ले जिंदा जले लोगों को मैंने देख वो एडलिब्स पीछे जो बज रहे हैं जैसे वो बस्ती का नाम आता पीछे सीटियां बज रही है ब्रो लेट्स गो किलाए आज घूम रहे इधर दूसरे दिन मर्डर पुणे 02 नाना बेड में रहता फकिंग पुलिस ए मे फक यू मे कोई लेता नहीं है ब्रो ठीक है ऐसा सुना मैंने कौन तो भी बोला रे कुछ जलन से पीछे से गैला वो सूझ बोलना उसको मुंह पे आके पूछ जल पे तेरे दुख मालूम है सब ऊंच लगे लेते एक भूख तसस भूख तसस भूख मेरे पे जल के किधर से मिलेगा सूख बात पीछे सामने हो जाते म्यूट कितना भी हाड़ बंद दिखता क्यूट टूट कर लट गया बोलता ड्यूड देख मुझे फरार ये लाइन तो मेरे को टिकटॉक वाले बंदों पे लगती है तुम भले किसी के लिए भी बोल रहे हो ये कितना भी हार्ड बन तू दिखता क्यूट ब्रो बहुत हार्ड बनने की कोशिश करते हैं ना वो लोग वीडियो में
कोई 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 ऑफेंस नहीं, ठीक है? अभी कोई टिकटॉक करा के भड़क जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कोई भड़को मत, ठीक है? सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे। नहीं तो गायब ए तू हवस की रातों में ब्रो। और ही सेड कि लाइक वो बहुत पुराना खिलाड़ी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है तेरे बातों में, हिप हॉप किया रहा किया मैंने कुछ सालों में ब्रो, और वो भी इस तरह का। ओ मेरे को लगता है कि खून में वो चीज़ें होती है, बता ये कभी भी चालू कर दे, ये पूरे सीन उसको ऐसा बना देते रैपर्स को। आई कैन सी एवरी रैपर भाई बहुत डोप आर्टिस्ट है भाई, यहाँ पे बहुत डोप आर्टिस्ट है। बातों में है पाप ये कुछ सालों में है पाप, सबने किया सच मेरे हाथों ने, वजन रख तेरे बातों में, हिजड़ नहीं तो गायब तू हवस की रातों में। ठीक है ठीक है, पता है क्या सीन लग रहा है मेरे को, जैसे इंडिया का हिप हॉप सुनता हूँ फिर हिप हॉप सुनता हूँ तो दोनों बहुत डिफरेंट लगते हैं, ठीक है? पाकिस्तानी हिप हॉप सुनता हूँ वो भी बहुत डिफरेंट लगता है, उर्दू में गाते हैं वो लोग, बट जैसे मैं पुणे रैपर्स को सुनता हूँ ना तो मेरे को लगता है ये इंडिया के है ही नहीं, समझ रहे हो तुम? मेरे को ये पूरा इंडिया से अलग सीन लगता है, ये लोग नहीं देख रहे रे इधर के हिप हॉप को, ये कुछ अलग ही फॉलो कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन आ रहा है। मैं आई कैन सी थोड़ा बहुत वो गैंग वैंग ये सब लेके, तुम 6ix9ine के गाने सुनते होगे तो उसमें तुमको दिखता होगा रुमाल रुमाल लेके, एंड बहुत बहुत सारे रैपर्स है वो कुछ अलग ट्रिप मारते हैं, पता है 6ix9ine के गाने तुम सुनो और अलग रैपर्स के गाने तुम सुनो तो तुम्हें थोड़ा अलग शॉट लगेगा, और ये सारे रैपर्स कुछ अलग शॉट बजा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सपने की है सच मेरे हाथों ने, वजन रख तेरे बातों में, हिजड़ नहीं तो गायब तू हवस की रातों में। हमने किया था देख फोन, I love the way you moan, गिती आए रे तुला टोन तेरी, I love the way you moan, नजरे अफलातून कर किच किया था देख फोन, बस इसके आगे कुछ नहीं, अभी घर पे जाके सो जा, सर पे मेरे बोझा तू रात के बजरे तीन बच्ची बैठ की टीन, घर पे तेरे सीन बात मीन तलब देख ग्रीन मटके तेरे ड्रीम गन में तेरे शब्द क्या बोलता रॉय, अपने को जाने का दुबाए का चला अभी रहा है, अपन कभी हो रहे हाय नहीं रे रॉय, हाय में काम नहीं हो रहे मैं तो हो रहा टॉय, अभी कैसा करते भाई आज सब अगला अपन करते भी नहीं, अपने नई सिर्फ आज करते सोई लेवल को लेके नीचे बहुत अलग हाय, बाकी चादर लेके भी गरीब बनता जा रहा भाई, तुला बोला इसे काम फकर डोंट बी शाय, ब्रो मेरा मन ही नहीं कर रहा पता रोकने का, इसमें इतनी सारी चीज़ें बहुत बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बार्स हैं, बट मतलब नहीं मन कर रहा यार, मजा आ रहा है सुनने में। पाप नहीं तू पाप कर रहा बेटा, स्लो पॉइजन सांप मर रहा बेटा करके निकट में, हाँ ऐसे लाइंस मैंने एमसी सन के भी गाने में थोड़े बहुत सुने थे कि हिप हॉप के नाम पे सब यू नो पैसे यहाँ पे छाप रहे, देख हिप हॉप के नाम पे सब लड़की लटका रहे, देख ऐसा कुछ था, तो आई कैन सी यहाँ पे बहुत ये पूरे रैपर्स बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना कि रिलेटेबल लाइन्स क्यों लाते हैं, मतलब एक रैपर जैसा फील करता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो बना के बता रहा है तुमको, मतलब ऐसा उन्होंने देखा है रियली में। जैसे एमसी टीएचसी की भी मैं बार सुनता हूँ तो उसमें भी कुछ कुछ साउंड ऐसा लगता है जैसे एमसी स्टैन से मिलता जुलता है, एमसी स्टैन का मैं बार सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि इससे मिलता जुलता, जस्ट बिकॉज कि उनने सेम हुड में से आते हैं उठ के और सेम चीज़ें वो लोग देखते हैं, जैसे लड़की के ऊपर बातें करना, फिर माँ को रिस्पेक्ट करना, होमीज और ये सब इनके बाद ही तुम ध्यान से देखोगे तो होमीज वर्ड ये सब इवॉल्व ही पुणे से हुआ है, तुम अगर देख सकते हो ध्यान से, मेरे को तो एटलीस्ट उसके बाद मालूम चला, तुमको कहाँ से मालूम पड़ रहा, तुम मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, इससे कुछ भलता सीन है क्या इंडिया में? जा रहा भाई तुला बोला इसे काम फकर डोंट बी शाय, पाप नहीं तू पाप कर रहा बेटा, स्लो पॉइजन सांप मर रहा बेटा करके निकट में को कभी बेटा आ बेटा गेटा तक लिटा लिटा के पीटा, खाया तूने पलटी तेरा पुरा लिए नकली हिजर में, तेरी गिनती झगड़े हुए के देता पलटी पेट से आवाज आ रही तेरी, फिर भी बैठ के मर रहा पल्ली उठ तो बड़े लेवल पे जा खाना खाते को भूख ले, ऐसे ऐसे जो पैटर्न्स होते थे वो स्टैंड के तुम गानों में सुनोगे, ढाक ढाक ये जो बच्चा ना पीछे ब्रो कम ऑन बीट बहुत ट्रिपी, आ जाओ तेरी गिनती झगड़े हुए के देता पलटी पेट से आवाज आ रही तेरी, फिर भी बैठ के मर रहा पल्ली उठ तो बड़े लेवल पे जा खाना खाते को भूख ले, सिर्फ इतना बोलता तेरे बारे में, जब सुबह उठ के देखा मैंने कमर में था तेरता हुआ मुंह, तेरे झूठने बोलता ममड़े में को याद आया तू ब्रो, लेट्स गो भाई, देखा मैंने कमड़ में था तेरता हुआ मुंह, तेरे झूठने बोलता ममड़े में को याद आया तू, हाँ ये मैं ही हूँ बस थोड़ा सा बदल चुका हूँ, जो चीज नीचे खिचड़ती उनको पीछे छोड़ा हूँ, आचार संहिता चालू तब तो ट्रैफिक जैम हो गई, घर धीरे से काम चालू जान लिए आई मीन आई एम हैविंग अ गॉनेडे की लेना, मैं से ज्यादा लेना नहीं कौन को कौन भेजा बेटा, मेरे को दिखला छोरा मैं भी फन में डूइंग द थिंग रिड ओपन योर माउथ जरा, तेरी पूरी फैमिली रन पे से ले बनना। माउजर एक्चुअली गन को कैरी करने के लिए होता है या कोई गन ही होती है? माउजर मैंने सुना है बहुत मूवीज में यार, एक तो मेरे को पता नहीं क्या सीन होता है कि सब याद होता है, मतलब सब ठीक है और कुछ गानों में निकल के भी आता है, बट पता नहीं रिएक्शन के टाइम में मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ कुछ कुछ गानों में, मेरे को याद ही नहीं आते ब्रो वो क्या था यार।
ओपन ये माउथ जरा तेरी पूरी फैमिली रन पे से ले बटना वरना बिस्के देर ला डॉन नाक से खून ये लवा देखे डॉन बी गॉन किसकी खबरी किसने करा लड़के लो कॉइन नाउ रेड बुल उनकी ड्रेसिंग क्या लगी पीछे से नहीं 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 नाम नहीं लूंगा Fuck you twice and four times. क्या हो गया भाई इसको तापड़ी कर रहा है क्या भाई पीस साइन ओके बिहाइंड द सीन्स दिखा रहे क्या टू बी कंटिन्यूड अरे अरे रे 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 कान में घुसा दोगे क्या ठीक है ओ व्हाट द ये अलग ही भलता ट्रिप था ब्रो चार मिनट सुना पर मेरे को लगा भाई क्या था ये पूरी एक कहानी थी यार पूरी कहानी थी इसमें द फक मतलब बोलते ना एक एक गाने में हुड दिखा देना और एक्चुअली मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हुड में बहुत सारे रैपर्स हैं और सब अपने अपने नज़रिए से दिखाते हैं बट यू नो इसके नज़रिए से देखने का मेरे को मज़ा आया और बहुत कुछ देखने को मिला मतलब ऐसे एक एक 10% अपने को दिमाग में आ गया कि अच्छा इस टाइप का सीन होता है यू नो बस्ती में अंदर अंदर छुप के तो दैट्स द मेन सीन और किसी का डर नहीं है ब्रो यू नो ये वही चीज़ लेके आ रहे हैं इंडिया में बहुत लोग गाली को भी बीप करके डालते हैं पता है ऐसे ऐसे फट्टू रैपर्स है पर मेन सीन ये है एक्चुअली कहीं कहीं पर मैं खुद भी थोड़ा ऐसा सोचता अरे यार ये मैं डाल रहा हूँ लोग सुनेंगे तो कुछ पब्लिक को समझ में आएगा क्या यार तो ऐसे चीज़ होती है इंडिया में लोग थोड़ा बहुत ऐसे होता है बट ये लोग क्लियरली बहुत चीज़ें दिखाते हैं ये तो अच्छा है अब तक रियल चीज़ें अब तक तुमको इसमें दिखी नहीं तो बहुत रैपर्स यहाँ पे अरेस्ट होने लग जाए पता है बट तो भी ऑलमोस्ट अपनी चीज़ें बताना और अपने अंदर की बातें बताना अपनी बस्ती की चीज़ें दिखाना बहुत ही डिफरेंट वाइब है ब्रो एज वेल एज मैं देख पाता हूँ कि एक चीज़ इन्हें अच्छी की कि रैपर्स बन गए पता है ये रैपर्स नहीं होते तो पक्का गैंगस्टर्स होते बट आई कैन सी रैप बहुत यू नो अच्छे वे में पुश कर रहा है लोगों को अच्छे बीट्स बनाने में लोग घुस रहे अच्छे सिनेमाटोग्राफी देख रहे जो जो बंदे को तुम देख के बोलो ना कि यार ये तो दिखता भी नहीं वो भी अच्छा खासा सिनेमाटोग्राफर होता है तो दैट इज़ द मेन थिंग लोग ट्रिप में हैं ये हिप हॉप में घुस रहे और ये थैंक्स टू दिस सीन ब्रो इतना आगे बढ़ रहा है सब कुछ ठीक है तो आई लाइक डिट मेक श्योर कि तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी तुम फील करते हो ट्रिप मिला कि नहीं मिला और गाने सजेस्ट करो भाई पुणे में से जो गाना चाहिए बोलो जो गाना चाहिए बोलो नीचे कमेंट सेक्शन में अपन वो लेके आएंगे बाकी बस मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन तक स्टे सेफ एंड स्टे केयर एंड टाटा वीडियो लाइक करो भाई वीडियो लाइक करो ठीक है हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैच में ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक एम11 विद वुमन और अ स्नेक अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक इमेजिनेशन में किया था बेक